बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकंड लेक्चर ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आज हम वाटर की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि किस तरह से वाटर जो है वो हमारी लाइफ के अंदर, हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के अंदर किस तरह से जो है वो हेल्प करता है हमारी। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर अवेलेबिलिटी की, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स इसकी जो क्वांटिटी वो डियर स्टूडेंट 65 to 89% वेरी करती है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें, ह्यूमंस इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बोन सेल्स की बात करें तो 20% बोन सेल्स के अंदर भी वाटर अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें, 85% वाटर उनके अंदर भी अवेलेबल है। ये तो हमने देखा कि किस तरह से जो वाटर जो है वो एज ए कॉन्स्टिचुएंट अवेलेबल है बॉडी सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं पोलैरिटी की। वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, तो इसी तरह से पोलर सॉल्वेंट, तो इसी तरह से पोलर सब्सटेंसेस जो हैं उनको ये अपने अंदर बड़े अच्छे से डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि वाटर इज़ अ गुड पोलर सॉल्वेंट और पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। हम डियर स्टूडेंट्स वाटर की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक को, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वाटर एक बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर है। फॉर एग्जांपल, सडन शॉक जो है वो, हीट शॉक जो है बॉडी को लगता है, उससे भी वाटर हमें बचाता है। मतलब कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट जो है, हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो हीट एनर्जी जो इसके टेम्परेचर चेंज में बहुत माइन्यूट सा चेंज लेके आती है, मतलब कि वो जो हीट ये एब्जॉर्ब करता है वो सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को टूटने में लग जाती है। तो इस तरह से हम अगर देखें किसी एक मॉलिक्यूल को, हमने एक ग्राम जो है वो वाटर है, अगर उसका टेम्परेचर जो है वो 15 to 16 करना है तो वन कैलोरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम उसकी हीट कैपेसिटी देख सकते हैं कि कैसे वो एक हीट मॉलिक्यूल, जो हीट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर बहुत माइन्यूट सा चेंज लेके आता है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किस तरह से कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी जिसमें जो वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में जो है वो एवेपोरेट हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर से। डियर स्टूडेंट्स, 574 किलो कैलोरीज पर केजी आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर टू गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो इस तरह से इट्स अ ह्यूज अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड बाय द हीट दैट कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी इसकी हीट कैपेसिटी की बात की वाटर की, हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की कि किस तरह से वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए हम देखें तो वाटर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आयोनाइज हो जाता है, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और
हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्म में। तो ये हीट ऑफ आयोनाइजेशन, अब हमें पता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में जो हम देखेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट होगा। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें, तो एक लीटर वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के जो ईच आयन की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वह 10^-7 पर लीटर। ठीक है, मतलब के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लीटर वाटर के अंदर 10^-7 जो मोल्स अवेलेबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें कि किस तरह से वाटर जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमें पता है वाटर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे भी बिहेव करता है। किस तरह से लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है, हम फर्स्ट वन देखें कि सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी है। और हमें जैसे ब्रेन के इर्द गिर्द पता है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसी तरह हमें पता है लंग्स के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग अवेलेबल हैं, ब्रेन वाली मेनेंजेस हैं, इसी तरह जो पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स हैं लंग्स के इर्द गिर्द, इसी तरह जो पेरिकार्डियम है हार्ट के इर्द गिर्द, तो उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर एक खास क्वांटिटी जो है वो अमाउंट है वो वाटर की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर वहाँ पे जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है, कंटिन्यूसली जो ऑर्गन्स मूव कर रहे होते हैं किसी भी दूसरी जगह के साथ जब वो रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। तो प्रोटेक्शन के अंदर वाटर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें कि वाटर जो है वो रिएजेंट्स के तौर पे किस तरह से एक्ट करता है। रिएजेंट के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उन सब के अंदर जो वाटर पार्टिसिपेंट होता है, मसलन अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की बात करें, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसके लिए जो हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिक्वायर्ड होता है जिसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम बात करें तो रिएजेंट के तौर पे, रिएक्टेंट के तौर पे ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी एक्ट करता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, उसके अंदर भी जो है वो वाटर रिक्वायर्ड होता है जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो इस तरह से वाटर जो है वो रिएजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्मेशन के अंदर भी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ब्रेकडाउन के अंदर भी। जितनी भी सेल्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो तकरीबन सारी की सारी एक्वस मीडिया के अंदर होती हैं। मतलब वाटर अवेलेबिलिटी मस्ट है वहाँ पे। हमारे पास बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात करेंगे टर्जिडिटी। हमने जो है वो पढ़ा हुआ है स्केलेटन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेजरली हम थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन्स की बात करते हैं, जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और थर्ड वन हाइड्रोस्केलेटन। तो यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो हाइड्रोस्केलेटन के साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जानदार जिनके अंदर जो है वो एक्सटर्नल या इंटरनल बोनी या कोई हार्ड फॉर्मेशन नहीं होती स्केलेटन की अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके अंदर एक वास्कुलर जो है वो कैविटी होती है जो कि वाटर फील्ड होती है। तो जिससे क्या होता है वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोस्केलेटन। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट, टर्जिडिटी की हम बात करें
ये तो हमने एनिमल्स में बात की, इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो डियर स्टूडेंट्स हर्बेशियस प्लांट्स हैं, जो हर्ब्स और शर्ब्स हैं, फर्न्स वगैरह हैं, तो डियर स्टूडेंट्स या जो सॉफ्ट स्टेम रखने वाले जानदार हैं उन सब के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि वाटर एंटर हो जाता है और वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर भी के नाम से भी जानते हैं, तो उस टर्गर प्रेशर की वजह से वो टर्जिड होके स्ट्रेट अपवर्ड जो है वो पौधे वगैरह जो भी प्लांट्स वगैरह वो इरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैं इसको समराइज़ कर दूँ, हमने देखा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वाटर अवेलेबिलिटी डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर अवेलेबल है, उसकी हमने परसेंटेज देखी। इसी तरह ह्यूमंस के बोन सेल्स में हमने देखा 20% वाटर, इसी तरह ब्रेन सेल्स के अंदर देखा 85% वाटर। डियर स्टूडेंट, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, तो इसी वजह से पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिजॉल्व कर लेता है। इसी तरह से हमने इसकी हीट कैपेसिटी की बात की कि कितना ज़्यादा, कितनी ज़्यादा ये हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर चेंज लाए बगैर। तो वो सारी जो थी हमने देखा कि अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर हमने 15-16 लेके जाना है, तो उसमें हमें 1 ग्राम जो रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम वाटर के लिए 1 कैलोरी रिक्वायर्ड होगी एनर्जी की। डियर स्टूडेंट्स, हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने बात की, हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा मिस्ट है, तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। हीट ऑफ वेपराइजेशन में जो हमने बात की थी कि किस तरह से 574 किलो कैलोरी पर केजी रिक्वायर्ड है, हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर हम यहाँ पे एक कॉमन सी एग्जांपल लें कि किस तरह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये जो है वो हेल्प करता है हमारा, तो हमने यहाँ पे जर्नल बात तो कर ली कि हीट ऑफ वेपराइजेशन के 1 लीटर वाटर को, 1 केजी वाटर को 574 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, कि वेपराइजेशन होने से किस तरह से एक टेम्परेचर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, अगर 1 लीटर पानी हो, 1 लीटर, तो हम देखते हैं उसके अंदर अगर एमएल्स की बात करें तो 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं 1 लीटर वाटर के अंदर, 1000 ml होते हैं। आउट ऑफ 1000 ml अगर 2 ml एवेपोरेट हो जाए, आउट ऑफ 1000 ml 1 लीटर के अंदर 1000 ml अगर उसमें 2 ml वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका जो है वो फॉल कर जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात की कि 1 लीटर में 1000 ml जो है वो अवेलेबल है वाटर, तो इसमें से अगर 1000 ml में से 2 ml अगर एवेपोरेट होता है, तो बाकी जो था, बाकी जो लिक्विड रह गया हमारे पास 998 ml, उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी जो 998 ml था इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था 1 लीटर का, 1 लीटर ऑफ वाटर का, तो उसमें से जब 2 ml जो है वेपरेट हो गए, तो बाकी 998 जो ml थे उनका जो टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कितना थोड़ा सा वाटर जो है वो वेपोरेट हुआ है, जिसकी वजह से बाकी जो है वो कूल डाउन हो गया। तो इस तरह से ये फिनोमिना कहलाता है वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।